दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूँ। डेली करंट अफेयर क्विज में आज हम देखेंगे 15 फरवरी की करंट अफेयर को, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। डेली करंट अफेयर क्विज में मैं आपको डेली 10 मिनट में 20 करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर्स को कवर कराता हूँ, जो कि पूरे दिन की करंट अफेयर होती है। अगर आप लोग इस वीडियो का नोटिफिकेशन रेगुलर लेना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना। आज का हमारा रिवीजन क्वेश्चन है, हाल ही में पेटीएम ई कॉमर्स का नाम बदलकर क्या रखा गया है। इस क्वेश्चन का आंसर सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में बताएंगे। शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर को, और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। जनवरी महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता? तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा समर जोसेफ ने, यानी कि बी राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में काजी नेमू को किस राज्य के राजकीय फल के रूप में मान्यता दी गई है? दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा असम के, यानी कि ए इज द राइट आंसर। तीसरा क्वेश्चन है, भारत किस द्वीप समूह पर नया नेवल बेस स्थापित करने जा रहा है? तो देखिए, मिनिकॉय और अगरती यानी कि दोनों पर, ए और बी दोनों राइट आंसर रहेगा, तो तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने हाल ही में किस देश के रेसलिंग फेडरेशन का निलंबन रद्द कर दिया है? क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर रहेगा भारत का, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए किसके साथ समझौते करने का फैसला किया है? तो सही उत्तर रहेगा आईआईटी रुड़की के साथ में, यानी कि ए इज द राइट आंसर। आप लोग किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप हमारी मास्टर पीडीएफ ले सकते हैं। मात्र 170 रुपये में आपको सारे सब्जेक्ट मिलेंगे पूरी लाइफ टाइम के लिए, आप कितनी बार भी पढ़ सकते हैं। मास्टर पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और हमारे व्हाट्सएप नंबर दोनों जगह मिलेगा। लिंक पर क्लिक करना है, पेमेंट करना है, पीडीएफ तुरंत ही आपको मिल जाएगी। छठा क्वेश्चन है, गुप्तेश्वर फॉरेस्ट किस राज्य में है जिसे राज्य के बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में नामित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर रहेगा उड़ीसा, यानी कि सी इज द राइट आंसर। सातवां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सर्वे योजना लॉन्च की है? तो सातवें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा उड़ीसा राज्य ने, यानी कि डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में नीति आयोग ने निम्न में से किस शहर के आर्थिक परिवर्तन की योजना बनाई है? क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर रहेगा मुंबई और सूरत, यानी कि ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस शहर ने 2026 तक दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करने की घोषणा की? क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर रहेगा दोस्तों दुबई में, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, विश्व जल पुरस्कार 2023-24 में किस शहर को जल योद्धा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए नोएडा, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में किसने अहमदाबाद में
गांधीनगर प्रीमियर लीग का उद्घाटन किया है। सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक भी करना, अपने दोस्तों के साथ में, भाई बहन के साथ में जरूर शेयर करना। और सुबह 6:30 बजे वीडियो रेगुलर आती है ओनली टॉप स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, इस वीडियो को जरूर देख लिया करें। 11वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा अमित शाह, यानी कि ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? सॉरी। 12वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा कतर और यूए, यानी कि उपरोक्त दोनों। तो 12वें क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में किस देश के मैराथन धावक केल्विन किप्टन का निधन हुआ है? तो ये केनिया के मैराथन धावक थे, यानी कि ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में किस कंपनी का मार्केट कैप सॉरी 20 लाख करोड़ के पार निकला है? तो राइट आंसर रहेगा रिलायंस इंडस्ट्री, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद संशोधन विधेयक 2024 पारित हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर रहेगा सी, तेलंगाना इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाल ही में किसे ICAI का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो 16वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा रणजीत कुमार को, यानी कि ए इज द राइट आंसर। 17वां क्वेश्चन है, हाल ही में 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला कहाँ आयोजित किया जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर रहेगा हैदराबाद में, यानी कि बी इज द राइट आंसर। 18वां है, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने दूरदराज के गांव में कौन सी पहल शुरू की है? तो 18वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा APAAR, यानी कि सी इज द राइट आंसर, अपार इसको कहेंगे। 19वां है, हाल ही में कहाँ रहस्यमय तेल रिसाव के कारण राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है? 19वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा त्रिनिदाद और टोबेगो, यानी कि उपरोक्त दोनों। तो 19वें क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन है, जनवरी महीने के लिए ICC वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता? तो सही उत्तर रहेगा एमी हंटर ने। 20वें का राइट आंसर ए हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, 20 में से आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस के आंसर सही किए हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, इस क्वेश्चन का आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका जो सही उत्तर रहेगा वो मैं आपको कल की वीडियो में बता दूंगा। आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो इसके लिए 5 सेकेंड का समय दिया जाता है, जल्दी से आंसर बताइए। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो राइट आंसर रहेगा 1942 में। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। कल का हमारा होमवर्क का क्वेश्चन था, साहित्यकार उषा किरण खान का निधन हो गया, या किस भाषा की साहित्यकार थी? तो राइट आंसर इज हिंदी और मैथिली की, सी राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, आप हमारी ओनली टॉप स्टडी ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए, 5 स्टार की रेटिंग करिएगा। यहाँ से भी आपको कई फ्री PDF मिल जाती है। जो हमारी मास्टर PDF है दोस्तों, जिसमें सारे सब्जेक्ट हैं, और ये PDF आपको मिलती है पूरी लाइफ टाइम के लिए मात्र 170 रुपये में। इस PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स
और हमारे व्हाट्सएप नंबर दोनों जगह मिलेगा। लिंक पर क्लिक करना है, पेमेंट करना है, PDF तुरंत ही आपको मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।